अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मार्बल्स के ताज़ा रेट्स अपडेट करने वाले हैं। मेरे पास तकरीबन 14-15 अकसाम के मार्बल्स हैं जिनकी रेट इस वक्त मौजूद है। दोस्तों हम साथ साथ में आपको मार्बल्स के रेट अपडेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई आपको साथ में वो मार्बल का डिज़ाइन या वो मार्बल भी दिखाया जाए, ताकि जब आप मार्केट में जाएं तो आपको मार्बल के साथ साथ उसका पता भी हो कि भाई ये मार्बल जो है आप लेने जा रहे हैं, या टवीरा है, या ये सनी वाइट है, या ये ज़्यारत है, या ज़्यारत वाइट है, या ज़्यारत ग्रे है, यानी आपको उनकी इकसाम का भी पता हो और साथ में आपको उनका रेट भी पता हो। तो कोशिश करूँगा मैं साथ साथ आपको तमाम की जो है वो पिक्चर्स भी दिखाऊँ, ताकि आपको रेट समझने में आसानी हो। दोस्तों मार्बल के रेट्स में भी जिस तरह दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं इनके रेट्स में भी इजाफा देखने में आया है। अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ देखें और की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा खासा फर्क महसूस होगा। तो चलो दोस्तों मैं आपको ताज़ा रेट्स अपडेट करता हूं वन बाय वन करके। मेरे पास काफी अकसाम के मार्बल हैं, मार्बल में बहुत ज़्यादा अकसाम है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है ज़्यादा जो चलते हैं ज़्यादा मार्बल या जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं उनके मैं आपको रेट्स अपडेट कर दूं। अगर मैं किसी मार्बल या किसी डिज़ाइन का रेट अपडेट नहीं कर रहा, तो अगर आप उसका रेट मालूम करना चाहते हैं तो उसका नाम कॉमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर हमारे नॉलेज में होगा तो हम आपको कॉमेंट में ही उसका रिप्लाई कर देंगे। तो चलो दोस्तों मैं रेट्स अपडेट करता हूँ। उससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा ज़्यारत ग्रे की। ज़्यारत ग्रे का आज की तारीख के मुताबिक रेट है ये है 65 रुपये। दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से भी 2-3 रुपये या 4 रुपये का डिफरेंस आ सकता है जो रेट लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अगर किसी कोई भी मार्बल लेने जा रहे हैं उसका रेट एक्चुअल क्या है। स्ट्रॉबेरी लाइट की बात करूंगा अब मैं। स्ट्रॉबेरी लाइट का रेट थोड़ा ज़्यादा है और अच्छा भी मार्बल है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसका रेट है 165 रुपये पर स्क्वायर फीट। दोस्तों ये बात आपने याद रखनी, जब आप मार्बल लेने जाएंगे तो ये आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा, जबकि जब आप टाइल्स लेने जाते हैं तो ये आपको पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलती है। टावीरा मार्बल की इसके बाद बात करूंगा, ये आपको इसमें क्वालिटीज और शेड्स मिलेंगे। ये आपको तकरीबन 80 रुपये से लेकर 90 रुपये तक जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा टावीरा मार्बल। इसके बाद जेट ब्लैक मार्बल डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा फर्शों में, और फर्शों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है वैसे भी इसको, तो इसका रेट तकरीबन 115 से 120 रुपये आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ज़्यारत वाइट जो अच्छी क्वालिटी में ज़्यारत वाइट है उसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको तकरीबन मिलेगा 240 से 250 की रेंज में, और ज़्यारत वाइट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का लगवाते हैं। मैंने एक दो जगह यूज़ करवाया है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में। बूटी सीना फ्लावर आपको तकरीबन 90 से लेकर 100 रुपये तक मिलेगा। इसमें भी शेड्स वगैरह ये कलर्स लाइट या डार्क हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका रेट थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्लैक गोल्ड मार्बल की। फर्शों के लिए ये मार्बल काफ़ी जगहों पर आपने देखा भी होगा, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, और तकरीबन इसका रेट 125 से 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं जी सिल्की ब्लैक की। फर्शों के लिए जो सिल्की ब्लैक इस्तेमाल होता है ये आपको 75 से 80 रुपये में मिल जाएगा मार्केट से। सनी वाइट भी आपको 65 रुपये से लेकर 75 रुपये तक मार्केट में मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का होता है, ये भी दिखने में खूबसूरत लगता है सनी वाइट भी, अगर इसकी पॉलिशिंग और रगड़ाई अच्छी की हुई हो। स्ट्रॉबेरी पिंक की बात करता हूं, पहले मैंने स्ट्रॉबेरी लाइट का रेट आपको अपडेट किया, अब बात करता हूं स्ट्रॉबेरी पिंक की। स्ट्रॉबेरी पिंक आपको तकरीबन 120 रुपए में मिल जाएगा पर स्क्वायर फीट। इसके बाद दोस्तों बात करता हूं बादल मार्बल की। बादल मार्बल का रेट तकरीबन आपको 55 से 57 रुपए तक मिल जाएगा, 55 रुपए में तकरीबन आपको मार्केट से इजिली अवेलेबल हो जाएगा। ये सस्ते मार्बल है, लेकिन दोस्तों अगर आप इनके ऊपर अच्छी कढ़ाई करवाएं और अच्छी पॉलिशिंग लगाएं, बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं जब पॉलिश लगाते हैं ना मार्बल की, तो वो पॉलिश की जगह जो रगड़ाई वाले होते हैं वो कोई लोकल सा ऑयल वगैरह या इस तरह की चीज़ें ऊपर लगा देते हैं, जिससे आपका मार्बल बाद में कुछ दिनों बाद डल डल सा हो जाता है और उस पर बहुत ही अजीब सा लगने लग जाता है। इसलिए आपने अच्छी क्वालिटी की पॉलिश ऊपर लगवानी है जब आप इसकी रगड़ाई वगैरह करवा रहे हों। तो दोस्तों ये मैंने तकरीबन 13-14 मार्बल्स के आपको रेट सबमिट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनमें से लगवाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी रेट्स के हवाले से, और अगर आप किसी और मार्बल का रेट मालूम करना चाहते हैं इनके अलावा तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट्स में ही उसका रिप्लाई कर दूं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।